सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजारों की चाल के अंदर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और आज शुक्रवार का दिन है। साल 2021 के आखिरी कारोबारी सप्ताह का आखिरी कारोबारी दिन है और हम बात करेंगे यहां पे कृषि फसलों के वायदा बाजार NCDX की। जानेंगे कि आज शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त जुड़ चुके हैं IIFL सिक्योरिटीज के वाइस प्रेसिडेंट अनुज गुप्ता जी। अनुज गुप्ता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट MCV पर। जी अखिलेश जी, नमस्कार। नमस्कार अनुज जी। अनुज जी, देख रहे हैं कि सुबह के कारोबारी सत्र में तो हम जो एग्री कम्युनिटीज थी वो थोड़ी लाल निशान पर ट्रेड करते नजर आई थी। सोयाबीन में भी काफी गिरावट देखने को मिली थी, कैस्टर भी एक सीमित दायरे में ट्रेड करता नजर आ रहा था। लेकिन अब देख रहे हैं कि शाम होते होते कृषि फसलों में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, सोयाबीन में एक रिकवरी देखने को मिली है। आपको क्या लगता है, सुबह के 3% के लोअर सर्किट के बाद अब जो सोयाबीन में रिकवरी बनती नजर आई है और एक बार दाम फिर से 6300 पर गया है, तो क्या मान लिया जाए कि सोयाबीन में ज्यादा गिरावट नहीं है? देखिए, ऐसा नहीं है। सोयाबीन और सरसों की अगर बात करें तो वहां पे आगे नई क्रॉप की आवक रहेगी, तो एक जस्ट है कि बाउंस बैक देखने को मिला है। मगर ओवरऑल जो ट्रेंड हम मान के चल रहे हैं पूरे एडिबल ऑयल पैक में, जो नरमी का ही रहेगा क्योंकि आगे अच्छी क्रॉप देखने को मिल सकती है। मुझे लगता है कि सोयाबीन में बिकवाली का ट्रेड ही रखना चाहिए। जो बाउंस बैक आया है वहां पर बिकवाली का ट्रेड लेके चले। हमें लगता है कि भाव नीचे अगेन 6000 तक देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सर मुझे बात करेंगे CPO की, तो CPO में भी हमने हाल ही में बढ़त बनते देखी है। खबरें हैं कि मलेशिया में जो बाढ़ आई है उसकी वजह से वहां पर पाम की जो फसलें हैं वो डैमेज हुई हैं, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो बाधित हो रही है। आपको क्या लगता है आगे CPO में कितनी तेजी बन सकती है? देखिए, अभी तेजी का जो ट्रेंड है वो CPO में रहेगा। हमें लगता है कि ऊपर में 1100-1120 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिजिकल मार्केट में भी तेजी देखने को मिली है, हालांकि इंटरनेशनल कारणों की वजह से ज्यादा बाजार इफेक्ट हुआ है और भावों में उछाल देखने को मिला। हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो उछाल है वो 1100-1120 तक देखने को मिल सकता है। जी, ये सर मुझे बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में देख रहे हैं कि 3100 का भी लेवल टच होता नजर आ चुका है। यहाँ पे आपने 3000 के बाद 3100-3200 का लेवल दिया था, 3100 तो अचीव हो चुका है। लगभग 2.5% की तेजी बनती नजर आ रही है। आपको क्या लगता है, क्या अगले कारोबारी सप्ताह यहाँ से मुनाफा वसूली बनेगी या फिर सस्टेनेबिलिटी देखने को मिलती रहेगी और कीमतें और तेजी की ओर जाएंगी? देखिए, मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया है, तो मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट टारगेट हम करेंगे वो 3200 तक हम टारगेट कर सकते हैं। 3000 का टारगेट अचीव होने के बाद 3200 की तरफ मार्केट चला है, तो इनिशियली आप 3200 को टारगेट करें। हमें लगता है कि 3200 का ब्रेक होता है तो नेक्स्ट टारगेट 3450-3400 तक देखने को मिल सकता है। डिमांड जो है वो काफी अच्छी देखने को मिली है। डोमेस्टिक मार्केट में कॉटन कपास के भावों में तेजी देखने को मिली है, जिससे खल के भावों में तेजी का रुक रहा है। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में 3200 से लेकर 3450 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी, ये सनु जी, बात करें अगर आज मसाला कॉम्प्लेक्स की, तो मसालों में आज हमने धनिया में अच्छी तेजी बनती देखी है। जो धनिया 8400 पर ट्रेड करता नजर आता था, वही धनिया आज 8700 के लेवल्स पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। 3.5% की तेजी है। आपको क्या लगता है, क्या धनिया में ये तेजी आगे भी कायम रह सकती है? जी बिल्कुल, धनिया अगर हम सभी मसालों में देखें तो अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। यहाँ पर हम देखें तो एक्सपोर्ट डिमांड से काफी अच्छा सपोर्ट रहा है और साथ में क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से भी कहीं ना कहीं भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि जीरा, टर्मरिक, कोरिएंडर सभी में एक अच्छी तेजी रहेगी। कोरिएंडर पर्टिकुलर हमें लगता है कि ऊपर में 9000 से लेकर 9300 तक के लेवल को छू सकता है। इस बार धनिया की जो क्रॉप है वो थोड़ी सी कम देखने को मिल रही है और साथ में एक्सपोर्ट डिमांड भी है, इसकी वजह से भावों का अच्छा खासा सपोर्ट आता हुआ दिखाई दे रहा है। जी अनुज जी, आज हमने हल्दी में भी काफी अच्छी बढ़त बनते हुए देखी है। हल्दी में भी देख रहे हैं कि 6% का ऊपरी सर्किट लग चुका है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से हल्दी की कीमतों को आगे सपोर्ट मिलता नजर आ सकता है? देखिए बिल्कुल, एक्सपोर्ट डिमांड और इस बार मसालों के अंदर जीरा और हल्दी में देखें तो जो सोइंग एक्टिविटी है वो भी काफी कम रही है, एकरेज भी यहाँ पे कम देखने को मिली है, तो उसका असर तो रहेगा ही। हमें लगता है कि टर्मरिक में ऊपर हम अगर हम एक लॉन्ग टर्म की बात करें या 2022 के टारगेट की बात करें, तो हमें लगता है कि ऊपर में 11000 तक के लेवल टर्मरिक में देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना है, हमें लगता है कि यहाँ पे खरीदारी करते रखना चाहिए। ऊपर में टारगेट 11000 तक लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में करीबन 10000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी,
यहीं से अनुजी बात करें अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो हमने सुबह के मुकाबले आज शाम के कारोबारी सत्र में ग्वार गम और ग्वार सीड में अच्छी तेजी आती हुई देखी, यहाँ से थोड़ी रिकवरी बनती नजर आई है एक लोअर लेवल के बाद। आपको क्या लगता है, क्या ये तेजी अगले सप्ताह तक जारी रह सकती है? जी बिल्कुल, ग्वार में देखें तो क्रूड की तेजी का असर देखने को मिला है और एक्सपोर्ट डिमांड भी बढ़ी है। हमें लगता है कि ग्वार सीड ग्वार गम में भावों में तेजी का रुख रहेगा। एक्सपेक्टेड कर रहे हैं कि ग्वार सीड ऊपर में करीबन 6,200 और ग्वार गम करीबन 11,000 तक के लेवल दिखा सकती है, तो यहाँ पे खरीदारी का ट्रेड रखना चाहिए। ग्वार सीड में 200-250 रुपए की तेजी और गम के अंदर करीबन 300-400 रुपए की तेजी एक्सपेक्टेड है जो यहाँ पर आ सकती है। जी ये सनु जी बात करें अगर कॉटन की, तो कॉटन में आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फिजिकल मार्केट में भी जो प्राइसेज हैं वो भी काफी अट्रैक्टिव बने हुए हैं और वायदा में भी हमने हाल ही में तेजी बनते हुए देखी थी। वैश्विक कारण काफी इंपॉर्टेंट है, हमने इस बार यूएस क्रॉप की है, साथ में देखें तो चाइना की जो डिमांड है वो भी बड़ी है, तो उसकी वजह से कॉटन के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि कॉटन के भावों में आने वाले दिनों में तेजी का रुख देखा जा सकता है, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम कॉटन के प्राइसेस में देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि कॉटन में ऊपर में करीब 35,000 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। जी ये सुनो जी बात करें अगर मैंथा की, तो मैंथा में हमने देखा है कि लोअर लेवल बाइंग इनिशिएट होती हुई नजर आई है, मैंथा कहीं ना कहीं अब ऊपर तेजी के ओर जाता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है आगे मैंथा में क्या लेवल्स रह सकते हैं? देखिए मैंथा ऑयल के अंदर जो ट्रेंड पकड़ा है वो पॉजिटिव है, हमें लगता है कि यहाँ पर अभी जो एक तेजी का रुख है वो कंटिन्यू रह सकता है, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड मोमेंटम रहेगा और एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से हमें लगता है कि ऊपर में 1100 रुपए तक के लेवल मैंथा ऑयल में देखे जा सकते हैं। जी अनुजी आखिरी सवाल रहेगा मेरा आपसे, साल 2022 कृषि फसलों के लिए कैसा रह सकता है, साल 2022 के लिए आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगे? दोबारा बोलेंगे अनुजी, साल 2022 में आप कृषि फसलों के क्या टॉपिक्स देना चाहेंगे जिनमें अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है? देखिए इसमें मुझे लगता है कि मसालों में को हम चुन सकते हैं, एक्सपोर्ट डिमांड से काफी अच्छा रहेगा, तो जीरा टर्मरिक कोरिएंडर में अपसाइड मोमेंटम रहेगा। हमें लगता है कि जीरा में 18,000 और टर्मरिक में करीबन 11,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। वही कॉटन सीड ऑयल के हमें लगता है कि ऊपर में करीबन 4,000 तक के लेवल को छू सकता है, उसमें खरीदारी कर सकते हैं। साथ में मेंथा मुझे लगता है कि और 1200 रुपए तक के लेवल मेंथा में भी देखने को मिल सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कमोडिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि फसलों का वायदा बाजार कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और उस पर हमारे एक्सपर्ट की क्या राय थी और साल 2022 कृषि फसलों के लिए कैसा साबित रह सकता है और साल 2022 में किन कृषि फसलों में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल बाजार की चाल में अभी के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।